आज उस नमस्कार, मेरा नाम देखने वाले मेरे साथ में है। जैसे कि आपने देखा, इनका नाम बताने की जरूरत है क्या? आप खुद बताओ कमेंट करके क्या इनका नाम बताने की जरूरत है। समीर जी दिल्ली से, समीर अंसारी जी दिल्ली से हैं, गैजेट नगरी। अगर इनका चैनल पे जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है जो इनके चैनल पे नहीं गए हैं वो यूट्यूब में सर्च करें हमारे गैजेट नगरी और इनके चैनल पे जाए। और मैं क्यों इनके चैनल पे जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके चैनल पे आने वाला है हमारे एक्सक्लूसिव दो नए वीडियो। समीर जी बताइए वो वीडियो में क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर दो दिन से हूँ। मैंने दो दिन पहले देखा है यहाँ आकर कि एशिया टेलीकॉम आखिर है क्या, क्योंकि अभी तक मैंने भी आपके जैसे ही मैंने भी इन्हें यूट्यूब पर ही देखा था, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और आंखों से देखने के बाद मैंने स्टूडेंट का जो रिव्यू लिया है वो उम्मीद से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मैं अधिकतर आपके कहने पर हर इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और जाने के बाद रिव्यू जरूर लेता हूँ मैं वहां का। तो आपके कहने से मैं एशिया टेलीकॉम भी आया, तो एशिया टेलीकॉम आने के बाद 100% पैसा वसूल हुआ मेरा। मुझे एक दिन और मतलब ट्रेन में बिताने के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत जगह आया हूँ। और अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कोशिश करें ताकि आपके पास मौका हाथ से कहीं छूट ना जाए। दोस्तों ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। ये मेरा सेकंड सवाल इनसे आपके एक सवाल करना था कि क्या वाकई में एक स्टूडेंट को एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सर ने बोला कि कोशिश करो आपकी ट्रेन ना छूट जाए, है ना। जब सर 1000 किलोमीटर चल के आए हैं तो आप 2-3 हजार मत सोचिए, यहाँ आइए, एक बार मौका दीजिए। यहाँ फीस भी कम है आपका, आप आओगे तो खुद पता चलेगा कि क्यों एशिया टेलीकॉम। सर एशिया टेलीकॉम वाकई में इंडिया का नंबर 1 है कि नहीं है? सर कल जैसे मैंने आपका फेरेवल देखा और उसमें फेरेवल में देखने के बाद जो स्टूडेंट के अंदर जोश था जी, वो असली में जोश होता है, वो के ऐसे नहीं होता दिखावे के लिए, सिर्फ वो दिखावे के लिए के वीडियो शूट हो रही है इसके लिए जी। असली में जो उनके अंदर से जज्बा है, जो उनका जुनून था वो उन्होंने बाहर निकाला है, वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। सर आईफोन के हमने जैसे आपने हमने बताया कि हमने आईफोन चालू किया, आईफोन का पहला हमारा बैच है जैसे कि आप पीछे भी देख रहे होंगे। सर क्या लगता है स्टूडेंट को आईफोन ज्वाइन करना चाहिए हमारा? सर उनको देखो ना, वो तो टेलर मास्टर थे, वो आईफोन वो उन्होंने मुझे दिखाया, देखो कि मैं आईसी उतार रहा हूँ और लगा रहा हूँ। सर आपके सामने लाइव किया उन्होंने? लाइव किया और मैं मेरी वीडियो जब चैनल पर आएगी तो मैं उसके अंदर दिखाऊंगा। दिखाएंगे आप? तो दोस्तों यहाँ पर रिव्यू नहीं है, रिव्यू प्लस प्रैक्टिकल है, ये बताने के लिए कि स्टूडेंट जो बोल रहा है कि मैंने किया वो करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। तो ये चीज एक बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट एक कैमरे के सामने बोल नहीं पाता, आईसी लगाने की तो दूर की बात है। तो दोस्तों एक प्लीज इनका चैनल वॉच कीजिएगा जी, गैजेट नगरी समीर जी का, और देखेगा अपकमिंग वीडियो हमारे एक्सक्लूसिव एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। और ये बताइए जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जैसे ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन आके सीख रहे हो, क्यों आप ऑनलाइन भी तो सीख सकते हैं? सर ऑनलाइन में बस जैसे किताब जैसे पढ़ना उतना ही होता है, और वीडियो में उतना एक्सप्लेन भी वो लोग अच्छा नहीं करते हैं समझ सको। तो यहाँ पे आपके आप प्रैक्टिकली देखोगे तो सारे समझ में आएगी और खुद भी कर पाओगे, खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम खुद ही किए हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपको ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि वो फोन पे आपको बताते हैं तो आपको वही चीजें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर चाहे ब्लैक पेस्टेड हो चाहे ग्लू कोई भी ग्लू आईसी हो, आईसी की बात करता हूँ थोड़ा यहाँ पे दिखा है, तो हमारा यहाँ पे वन प्लस एक्स है, तो आप देख सकते हैं हमारे पेस्टेड आईसी यहाँ पे निकला हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रिंट है नहीं। ये प्रिंट चाहिए क्या? नहीं सर। ये नहीं होगा भी काम होगा या नहीं होगा? कौन कौन सा काम का है, कौन कौन सा काम का नहीं है पता है आपको? अब देखते हैं इस एमएमसी में फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो इस एमएमसी को हम साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने? 6 बार किया है सर। 4 बार किया है, वेरी गुड। इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल,
कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है? अच्छा ठीक है, आदि चाहिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार सर। तीन बार? दो बार। नंबर बोलते रहो। दो बार नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार क्या बात कर रहे हो? इतना दो बार किया ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार सर। पांच बार? सात बार? दो बार? बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। पांच बार सर। चार बार? दो बार। पांच बार सर। तीन बार? दो बार। तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार। यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा बताओ? सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस बिल्कुल सेटिस्ट हुआ है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का पढ़ाने का शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए ऐसे टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर। उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं, क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर, तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाई नहीं हो पा रहा, सर्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब से देख कर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके, मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है, मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाले और एक नहीं था इंडिया के नंबर में शूट कर रहे हैं। अभी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने।
परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएगा, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो जो करके बना था अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिपोर्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज दिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ दारू सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज मैं लिखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ बोलते हैं डेमो क्लास में मैंने सीख लिया, चैनल फॉलो कर रहे हैं, हम बोल रहे सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोलेंगे मेरा फिर बोल रहा है हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी मुझे यहाँ हमें बोलना है कि नहीं ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है सुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर चल का उनको सुना, तो आप सैटिस्फाइड सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और भाई आईफोन फॉलो कर सकता हूँ सर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फॉलो कर सकता हूँ।
यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझे कि इसके अंदर, हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक होता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amazon 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.